झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के 18 ठिकानों पर ईडी की रेड। हेमंत सोरेन के करीबी के घर 2 AK-47 राइफल बरामद। बिहार में ईडी ने खनन घोटाले में लिया एक्शन। आरजेडी फाइनेंसर समेत 6 नेताओं पर सीबीआई और ईडी का छापा। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल में भी पहुंची टीम। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। पार्टी के फैसलों पर उठाए सवाल, कहा कि पार्टी में स्वार्थी हितों से प्रभावित होकर फैसले किए जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में गत्ते की फैक्ट्री में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत, तो वहीं 5 गंभीर रूप से झुलसे। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को नहीं मिली राहत। पशु तस्करी मामले में कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह की जमानत पर ओबीसी की मांग, कहा उसे एक बार फिर जेल जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मानसून सत्र के दौरान हुआ हंगामा। विधानसभा के बाहर भिड़े शिंदे और उद्धव गुट के विधायक। विपक्ष ने लगाए 50 फोके एकदम ओके के नारे। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ मेडिकल चेकअप के लिए विदेश जाएंगी सोनिया गांधी। ब्रिटेन में बीमार मां से भी मिलेंगी। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगट की मौत के पीछे साजिश की परिवार वालों ने जताई आशंका। गोवा पुलिस ने दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का मामला। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दिया पद से इस्तीफा। कहा मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया।